दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय समिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस के ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आज बिग बॉस ने घर के नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट को बुरी तरीके से घर के नियमों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई थी, क्योंकि दोस्तों ये नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट वीआईपी रूम में घुस गए थे और वहां के सामान को चोरी करके और वहां पर बैठ भी गए थे। इसके अलावा वहां पर काफी एंजॉय किया था, जिसकी वजह से बिग बॉस ने नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट को वीआईपी कंटेस्टेंट के सामने बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए सामान को वापस देने के लिए आदेश दे दिया था। ये सुनने के बाद में दोस्तों बिग बॉस से कहीं ना कहीं अब नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट काफी नाराज है और तेजस्वी समिता निशांत का ये आरोप है कि बिग बॉस अब घर के अंदर भेदभाव करने लगे हैं, क्योंकि जब वो लोग वीआईपी थे तब उनके साथ भी ऐसा होता था। उस समय बिग बॉस घर के जो बाकी कंटेस्टेंट थे उनको कुछ नहीं कहते थे, जैसे कि दोस्तों जब जंगल वाले हिस्से में घर के सभी कंटेस्टेंट थे और समिता, निशांत और प्रतीक घर के मुख्य घर के सदस्य थे, उस समय घर के सभी जंगलवासी घर के नियमों का जमकर उल्लंघन करते थे। यहां तक कि उनके बेडरूम में आकर सो जाते थे, उनका खाना पीना चुरा लेते थे, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस ने कभी भी जंगल वासियों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ है जब ऐसे ये वीआईपी कंटेस्टेंट आए हैं, उनके बाद में जब घर के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो बिग बॉस ने घर वालों की जमकर फटकार लगा डाली। ये चीज घर वालों को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिसके बाद इस समय बिग बॉस का लाइव फीड में तेजस्वी और समिता बिग बॉस से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि आखिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस ये वीआईपी कंटेस्टेंट यानी कि रश्मि देवदेना और इनके आने के बाद में घर वालों के साथ में भेदभाव करने लगे हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और यदि आप भी तेजस्वी और समिता के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।